नमस्कार, मैं हूँ ज्योति और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल न्यूज 20 में। आइए जानें खादी के भीष्म पितामह के बारे में। पुण्यतिथि पर विशेष, स्वतंत्रता सेनानी सह खादी आंदोलन के प्रणेता थे ध्वजा प्रसाद। आज आपको हम एक महान हस्ती ध्वजा बाबू से रूबरू कराते हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ कदम ताल किया। इनके समर्पण का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इन्होंने टिकट मिलने पर भी चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया। इससे इनकी सोच और समर्पण का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। ध्वजा बाबू ने जब जनमानस में जोश भरे तो उड़ गए थे अंग्रेजों के होश। बापू के स्नेह ने इनका हौसला बढ़ाया था। आजादी के लिए वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चले थे। अपना सारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था। देश भर में खादी ग्रामोद्योग का जाल फैलाकर बेरोजगारी दूर करने का प्रयास किया। ध्वजा बाबू का जन्म 1893 में मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के रामखेताड़ी गाँव के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। पिता का निधन असमय ही सांप काटने से हो गया था। उस वक्त वे सिर्फ 8 वर्ष के थे। छात्रवृत्ति के पैसे से पढ़ाई की। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी हुई। इसका प्रभाव ध्वजा बाबू पर पड़ा और उन्होंने क्रांतिकारी बनने का मन बना लिया। 1914 ईस्वी में अनुशीलन समिति गरम दल के संगठन का काम करने लगे। तत्कालीन GBP कॉलेज अब LS कॉलेज के विद्यार्थी थे। उस समय आचार्य JB कृपलानी इन्हें इतिहास पढ़ाया करते थे। 1917 में गांधी जी से संपर्क होने पर भी ध्वजा बाबू अनुशीलन समिति से ही जुड़े रहे। बाद में भागलपुर, मुंगेर तथा पटना में भी संगठन का काम किया। 1923 में सुमित्रा देवी से शादी की, लेकिन इससे पहले शर्त रखी कि दुल्हन अपने हाथों से काटे हुए सूत से बनी साड़ी पहनकर आए। इनकी मृत्यु मुजफ्फरपुर स्थित सर्वोदय ग्राम में 8 फरवरी 1987 में हुई। 1919 में महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित होकर अपने साथी राम विनोद सिंह से मिलकर मलखाचक छपरा में गांधी कुटीर नाम से खादी संस्थान की स्थापना की। इस क्रम में विभिन्न आंदोलनों में भाग लेते रहे। 1921 में इन्हें जेल की सजा हुई। 1923 में कृपलानी जी ने महात्मा गांधी से आज्ञा लेकर इन्हें उत्तर प्रदेश श्री गांधी आश्रम बुला लिया। 1925 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित चरखा संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे अधिक तबाही खादी संस्थाओं की हुई। खादी भंडारों को लूटा एवं जलाया गया। ध्वजा बाबू ने इन भंडारों को पुनः स्थापित करने की जिम्मेदारी ली तथा चंदा इकट्ठा करने उत्तर प्रदेश तक गए। पटना लौटने के क्रम में ट्रेन में गिरफ्तार कर लिए गए। इस दौरान जेल की सजा भी हुई। रिलीफ कमेटी में महत्वपूर्ण योगदान। 1946-47 के दंगों की शांति स्थापना के साथ शरणार्थियों के पुनर्वास और राहत पहुंचाने के लिए रिलीफ कमेटी बनवाई और अपने विश्वसनीय साथियों को लगाया। 1952 के प्रथम लोकसभा चुनाव में ध्वजा बाबू को पुपड़ी सीतामढ़ी क्षेत्र से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया, किंतु ध्वजा बाबू ने महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों को ही चुना और चुनाव लड़ने से मना कर दिया। 1956 में अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग आयोग बम्बई की स्थापना हुई, जिसमें नेहरू जी ने ध्वजा बाबू को संस्थापक सदस्य बनाया। 1962 में चीन का आक्रमण हुआ। हिमालय सेवा संघ तथा हिल एंड बॉर्डर प्रोग्राम के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुनर्वास का काम हुआ, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1978 में विनोबा भावे द्वारा स्थापित खादी मिशन के बिहार प्रांत के अध्यक्ष बने। 1982 में ही आचार्य JB कृपलानी का देहांत के बाद देश की सबसे बड़ी खादी संस्था श्री गांधी आश्रम उत्तर प्रदेश के आजीवन अध्यक्ष। आइए इनके बारे में कुछ और जानें। 1917 में महात्मा गांधी चंपारण जाने के क्रम में मुजफ्फरपुर आए। घोड़े की जगह ध्वजा बाबू के नेतृत्व में 5-6 विद्यार्थियों ने स्वयं बग्घी को खींचते हुए गांधी जी को कृपलानी जी के आवास तक पहुँचाया था। 1934 में आए विनाशकारी भूकंप में प्रभावित क्षेत्रों में रिलीफ का कार्य तथा महात्मा गांधी के साथ मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी इत्यादि पर पुनर्वास कार्य का संचालन किया। एक बार ध्वजा बाबू ने महात्मा गांधी से पूछा था, बापू खादी का कपड़ा बहुत जल्द मैला हो जाता है, रोज धोना पड़ता है। इस पर गांधी जी ने कहा था, हाँ खादी को मैला पसंद नहीं। बाद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खादी को मैला पसंद नहीं शीर्षक से हरिजन में एक लेख भी लिखा था। ध्वजा बाबू ने गजाधर साहू ट्रस्ट संस्थान पहाड़िया, मंडल देवघर, हरिजन सेवक संघ, मुसहर सेवा संघ, बनवासी सेवा केंद्र, ग्राम भारती, गांधी जन शताब्दी समिति, बिहार निर्माता स्मारक समिति, बिहार विद्यापीठ, गजाधर मिश्रा ट्रस्ट गोदा आदि संस्थाओं के अध्यक्ष, मंत्री और सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रजनी रंजन साहू पूरे राज्यसभा सांसद कहते हैं कि ध्वजा बाबू खादी ग्रामोद्योग के अधिष्ठाता थे। स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश
साम्राज्य के विरुद्ध खादी ग्रामोद्योग को अपना अस्त्र शस्त्र बनाया और अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाई। आम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।